नए साल की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड और कोहरे ने जहां आमजन को प्रभावित किया है, ठंडक से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, तो वहीं बारिश, ठंड और कोहरे का फसल पर अच्छा असर होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है और किसानों की माने तो धुंध और बारिश गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। किसानों ने कहा कि जितनी ज्यादा ठंड और बारिश पड़ेगी उतना ज्यादा किसानों को खुशी होगी, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने से फसल की पानी की जरूरत पूरी होगी और उसका झाड़ अच्छा आएगा। साथ ही किसान ने बताया कि ज्यादा बारिश सब्जियों जैसे गोभी, गाजर और अन्य मौसमी सब्जियों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वहीं किसान आंदोलन में दिल्ली गए किसानों की फसलों की देखरेख पड़ोसी किसान कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि सब पड़ोसी मिलकर आंदोलन पर गए किसानों की फसलों का ध्यान रख रहे हैं। ये बारिश बहुत चंगी है, जितनी बारिश पाए कोई धुंध पवाए बहुत चंगी है। जब इस कणका वास्ता है इसनों बूट मारा कणक, ये पानी की जरूरत नहीं इस टाइम कणका जी, बहुत चंगा कम है। तो बारिश पवाए धुंध पवाए, हाँ जितनी ठंड पवेगी इतनी कणक वह होगी, बूट मारेगी सबले फसल पैदा हो। बहुत ज़्यादा फायदा जी इसका, जितनी ठंड ज़्यादा पड़ा ये कणक वास्ता अच्छी चीज़ है, उतना जिम्मेदार खुशी होगा। जितनी ठंड ज्यादा पड़ेगी उतना जिम्मेदार खुशी होगा, ज्यादा पेड़ा करेगी झाड़ अच्छा होगा। जिम्मेदार की ठंड बढ़ने देना खुशी ज्यादा होगा बेसाबी। हम पड़ोसी हैं जो रल मिल का कम करावा जी, उनका हमारे पास इतना बैठे जी, हमारा फर्ज बना जी, खेत संभव जी। फसल है तो इसको इस टाइम गोभी है, गोभी मटर मूली गाजर जो भी है फायदा है, अगर ठीक थोड़ी पड़े जी, अगर ज्यादा गड़े पड़ गए तो वो भी नुकसान कर रहे हैं जी। सांभ रहे हैं बंदे, सांभे में हैं, पड़ोसी करवा दे हैं, रड़मिल का काम कर रहे हैं जी, रड़मिल का काम कर दे। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और बारिश ने जहां लोगों को परेशान किया है, तो वहीं ये बारिश गेहूं जैसी फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। पंजाब के सिटी चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली।